नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में टॉप 10 VVI फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। वह सभी एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सीरीज नहीं देखा है टॉप 10 फिजिक्स VVI क्वेश्चन का, तो जाकर दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप ज़रूर देखें। वह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है वो होता है ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या बी पोटेशियम नाइट्रेट, या सी पोटेशियम परमैंगनेट, या डी बोरेक्स। दोस्तों, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त करते हैं वह होता है पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में। सवाल नंबर 53 का सही जवाब होगा वह होगा सी। सवाल नंबर 54, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है ए एंटीबायोटिक के रूप में, सी संक्रमण रोगी की दवा के रूप में, सी ज्वरनाशक के रूप में, या डी प्रतिरोधी के रूप में। दोस्तों, क्लोरीन का जो हम उपयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं हम प्रतिरोधी के उपयोग में। दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सब VVI क्वेश्चन है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में आने की संभावना है। 2018 और 2017 और 2019 यह तीनों साल में यह को प्रश्न को देखा गया है। क्लोरीन का प्रयोग कब किया जाता है तो वह प्रतिरोधक के उपयोग में किया जाता है। सवाल नंबर 54 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। यह 2022 के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों यह इसे आप जरूर नोट कर लें। सवाल नंबर 55, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण होता है ए प्रोटोनों की संख्या में अंतर, बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर, या सी परमाणु संख्या में अंतर, या डी नाभिकीय में विद्यमान न्यूट्रॉनों की विभिन्न संख्याएं। दोस्तों, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान में अंतर का जो कारण होता है वो विद्यमान न्यूट्रॉन, नाभिक में जो न्यूट्रॉन जब टूटने लगता है तो उसके परमाणु द्रव्यमान में अंतर दिखने लगता है। इसलिए सवाल नंबर 55 का सही जवाब होगा वो होगा डी, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों में विभिन्न संख्याओं में बदलने के कारण। सवाल नंबर 56, एक पदार्थ रेडियो एक्टिविता द्रवित दर्शाता है जब उसके परमाणु में होता है ए अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या बी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या सी अस्थायी नाभिक, या डी अस्थायी नाभिक। दोस्तों, जब रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है किसी परमाणु में जब उसका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है तब। सवाल नंबर 56 का सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 57, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक होता है ए CU, बी निकेल, या सी FeO3, या डी PT। दोस्तों, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक होता है वो होता है निकेल। सवाल नंबर 57 का सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों, यह भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। सवाल नंबर 58, निम्न में कौन डिटर्जेंट नहीं है ए टेफ्लॉन, बी बेकेलाइट, सी ट्राइनाइट्रोबेंजीन, या डी सोडियम लोरिक सल्फेट। निम्न में कौन डिटर्जेंट नहीं है, तो दोस्तों 58 का जो सही जवाब होगा वो होगा सोडियम लोरिल सल्फेट। इसका सही जवाब होगा डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।